अभी हम लोग आ चुके हैं गोविंद धाम। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि यहाँ का व्यू कैसा है और काफी अच्छा है, तो चलो देखते हैं। दादी जरा, तो गाइज ये है हमारी सेकंड जगह गोविंद धाम। तो अभी आपको दिखाएंगे अंदर से जब हम जाएंगे, तो काफी मथा टेक रहे हैं हम लोग और काफी मजा आ रहा है। बब्बे जी दसो, चलो हाँ दस दो, चलो चलो राधा कृष्ण जी के मिलने जाते हैं। अभी पहले साईं बाबा जी से हम लोग मिले हैं, साईं बाबा जी को मिल के आए हैं, आगे राधा कृष्ण मिलने जा रहे हैं, फिर उसके बाद राधा रानी आएगी, मिलेगी ठाकुर जी, मिलेंगे फिर हम उनके साथ नाचेंगे गाएंगे। ओके बाय बाय। गाइस काफी अच्छा माहौल है यहाँ पर, सुंदर वो देखिए कितना बड़ा और कितना सुंदर है। एंड तो देखते हैं, अगर अंदर बनाने दिया तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको बताएंगे कैसा रहा, है ना, मिल रहा है या नहीं। सो देखते हैं, पूछते हैं, सो यहाँ पे देखते हैं एक सेकंड। यहाँ पे प्रसाद मिलता है, यहाँ पे प्रवेश पर्ची कटाने हैं, कॉल लेने के लिए पहले गांव को तरफ प्रसाद वहाँ से मिलेगा, इधर से। अच्छा ठीक है, इधर अंदर से मिलेगा प्रसाद। तो गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ पे कितने अच्छे से बनाया है गोवर्धन पर्वत। तो ये तब गोवर्धन पर्वत उठाया था कृष्णा जी ने जब आंधी तूफान आया था, और पूरे गांव को बचाने के लिए उन्होंने अपनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाया था। तो बहुत अच्छा बना हुआ है, यहाँ पे गौशाला भी है। मैं फिर कह रही हूँ, आप लोग ज़रूर आइएगा लुधियाना में एक बारी दर्शन करने के लिए गोविंद धाम। तो गाइज अभी हम लोग अंदर दर्शन करने के लिए एंटर करने वाले हैं। सो गाइज यहाँ पर बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है, एंड यहाँ पे अभी मतलब मंदिर को बनाया जा रहा है और बहुत ठंडी हवा चल रही है, एंड हमको बहुत मज़ा आ रहा है। एंड अभी हम लोग दर्शन करने अंदर एंटर करने वाले हैं।
देखिए कितना अच्छा व्यू है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है एंड काफ़ी मज़ा आ रहा है। अभी आपको एक व्यू दिखाऊंगी मैं, उसमें गोवर्धन पर्वत है तो काफ़ी अच्छा बना हुआ है वो वाला व्यू, तो मिलते हैं। गाइज अब हम सीधा मिलते हैं पार्ट 3 में, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सेव।